अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम डालने वाले हैं चिटी हैक के अंदर बेसिक्स मोड्स, जिनको नहीं पता बेसिक मोड क्यों डाले जाते हैं। अगर आप लोग नए नए मोड ट्रेन करने शुरू कर रहे हो तो ये जानना लाजमी है। मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर स्किप कॉपी, स्किप यूआई, एंगल यूआई और अलग अलग गन कॉन्फिग फाइल, हेवी रजिस्टर, ये सब चीज़ें लिमिट बढ़ाएंगी आपकी मोडिंग की। ठीक है, ये बेसिक मोड है, ये लाजमी स्टोर कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को मेरी डिस्क्रिप्शन में जितने लिंक दिए मैंने सारे लिंक में जितने भी मोड्स वगैरह हैं सब लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसके अंदर स्किप टू वी का भी मिल जाएगा, स्किप टू वी डॉट नेट, मेन्यू मोड, एंगल यू आई, लेवन यू आई और गेम कंफिग, सिंपल ट्रेनर, ई रजिस्टर, पैक फाइल, लिमिट रजिस्टर और लाजमी ओपन आएंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, एक आप लोग जल्दी से इंस्टॉल कर लो। आएंगे सारे मोड इंस्टॉल हो गए, एक बार मैंने सबको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट हम लोग को स्क्रिप्ट हुक वी को इंस्टॉल करना है, इसके लिए एक्सट्रैक्ट कर देना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर देने के बाद वी आर इन फिर वायर को डिलीट कर देना है। इसके बाद इस फोल्डर को खोलेंगे, इसके बाद पिन का फोल्डर इसको खोलेंगे, इसके अंदर तीनों फाइल हम सबको डायरेक्ट कर देना है मेन डायरेक्टरी के अंदर। इसके बाद इसको डिलीट कर देना है, इसके बाद इसके प्रूफ वी डॉट नेट को क्लिक करना है, इसको भी इसी तरीके से करना है, इसका फोल्डर निकाल लेना है, इसके बाद इसको डिलीट कर देना है। यहाँ से इसका फोल्डर कॉपी करना, इसके अंदर ये वाली फाइल, इसके अंदर लाइसेंस और डेटिंग को काट की सारी फाइल पी टी फाइल की मेन डायरेक्टरी में डाल देनी, क्योंकि इसको भी डिलीट कर देना। इसके अलावा खोलना है आपने रिलीज का फोल्डर, खोलने में आपको सिंपली बनाना पड़ेगा एक फोल्डर, फोल्डर बनाने फोल्डर बना के फिर स्क्रिप्ट 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 इसकी फाइल बनाई। ठीक है, इसके अंदर आपको सीधी इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे, इसके अंदर ये वाली फाइल है ना, ये और ये, इसको इस फोल्डर के अंदर पहले ड्रॉप कर देंगे, अभी इसका काम खत्म हुआ। इसके बाद हमारे को लेमन जो यू आई है ना, उसको भी हमें इंस्टॉल करना है इसके अंदर। इसको पहले एक्स्ट्रा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लियर करने के बाद इसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसके अंदर आपको सुनना है SHVDM3, इसको आप ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए तीन अलग फाइल्स है ना, इसको आपको जाएगा ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ड्राइविंग ओपन के बाद आपको सिंपल एक पैक आ जाना है, पैक आने के बाद हमारा काम खत्म। आप हमारे को जानना है इसमें क्लियर करने के बाद फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, इसको हमें डिलीट कर देना है। यहाँ इसको फोल्डर खोलना है, इसके अंदर दो फाइल है, इसको जीटी करके मेन डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिंपल ट्रेनर भी डालना है, इसके अंदर हमें सिंपल ट्रेनर भी डाल देंगे हम लोग। इसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे, यहाँ इसको फोल्डर, इसके अंदर अब इतनी सारी फाइल्स लेंगे आपको, सिर्फ ट्रेनर वी SASI ये दो फाइल को कॉपी करना है जीटी करके मेन डायरेक्टरी में। रिप्लेस मैंने पहले से डाल रखी थी फाइल, ठीक है, लेकिन इसको रिप्लेस कर देना, आपके आप टेंशन लगा आपको उसमें नहीं आएगा अगर आपने नहीं डाली होगी। इसके बाद हमारे पास आती है मैन्यू मोड, इसको एक्स्ट्रा क्लियर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आगे अंदर मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैन्यू मोड आई, इसके अंदर आपको सिर्फ मैन्यू स्टफ और मैन्यू ASI इन दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है मेन डायरेक्टरी में। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा बचता है पैक फाइल लिमिट, ये आपकी ना गेम की लिमिट बढ़ा देगा मोड की। ठीक है ना, इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्लियर करना है, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाली जो हमारे पास जो फाइल्स आई हैं इसके अंदर, ये वाली पैक फाइल ये दो फाइल को आपको जीटी पैक मेन डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमारा जीटी पैक की मेन डायरेक्टरी का काम खत्म हो चुका है, इंस्टॉल करना है ओपन आई वी हमारे को इंस्टॉल करना है, ताकि तभी हम ये कॉन्फिग फाइल उसके अंदर डाल सकें। सिंपल उस पर राइट क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। आप इधर आपके पास लैंग्वेज पहले चूज़ करने को बोलेगा, कौन सी लैंग्वेज आपको सिर्फ इंग्लिश यूज़ करनी है। इसके बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इसको एक्सेप्ट आया एक्सेप्ट कर देना है, इसके बाद कंटिन्यू कर। इसके बाद ये पूछेगा आप अपने कौन सी डिजायर फोल्डर के अंदर कर सकते हैं, तो आपको रिकमेंड करूँगा सी के अंदर ही डालो इसको। ठीक है, इसके बाद क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ठीक है ना, इसको मैं इंस्टॉल कर दूँगा कंटिन्यू। ये थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगी, बिल्कुल 20 MB की। ठीक है, ये डाउनलोडिंग लेगी। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉलिंग होना शुरू हो चुका है। इसके बाद ओके, हमारा ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली हम लोग उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के लिए फोल्डर आ चुका है, इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है।
ओपन करने के बाद अगर आप बार विंडो पे हो तो लाजमी विंडो के लिए कितना इधर आपको मांगेगा ब्राउज, जहाँ पे आपका जी टी ए 5 का मेन डायरेक्टिव लोकेशन। तो मैंने स्टीम वाला बताया, तो स्टीम वाले पर आपको पहुँचना है, मैंने तो वहाँ से बताया था कि वहाँ से डायरेक्ट कैसे ओपन करने, लेकिन मैं यहाँ से ही बता रहा हूँ ब्राउज को ओपन करने। ब्राउज को तो मैं जहाँ पर आपने अपने स्टीम का वो रखा है, स्टीम जहाँ पर आपके है सेफ है, उधर आपको सिंपली उसके लोगों को फोल्डर ओपन करना है, स्टीम ऐप को क्लिक करना है, स्टीम ऐप को क्लिक कॉमन में डिलीट करना है, तो जी टी ए 5 आ जाएगा। जी टी ए 5 सक्सेस कर लेना है, तो देख सकते हैं सक्सेसफुली जी टी ए 5 का मेरा वो हो गया, ये फोल्डर लोकेट हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक, उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा, सब चीज़ें चेक करेगा वो। तो बस देते हैं सक्सेसफुली हमारा ये लोड हो चुका है, सब चीज़ आ चुकी है, हमारे को सिंपली एडिट पर क्लिक करना है। इसके बाद मोड्स के फोल्डर पर क्लिक करना है, अपडेट के फोल्डर, अपडेट टू आर पी एफ कॉमन, फिर डेटा, डेटा करने में इसको करने के बाद गेम कन्फिग डॉट एक्स एम एल फाइल है, ठीक है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। इसके बाद जो हमने जो गेम कन्फिग की फाइल जो डाउनलोड की है, इसको राइट क्लिक करके एक्स्ट्रा क्लियर करना है, इधर ही थोड़ा लोड होगी, ठीक है। इसके बाद ये फोल्डर मिल जाएगा, इसके बाद हमारे को जाना है बैकअप, बैकअप का भी होता है इसके अंदर, और हमारे को चेंज करनी है ताकि इसकी इंक्रीमेंट पड़ेगा, या ओल्ड वर्जन अगर आपका ओल्ड वर्जन तो ओल्ड वर्जन इस्तेमाल करो, अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करो, तो मेरा 3095 वर्जन है जो कि लेटेस्ट हुआ। तो मैं आपको लेस करना है, मोर करना है, ज़्यादा करने का मेरे को तो मोर करना है। मोर का करने के बाद आपको सिंपली स्टॉक ट्रैफिक पर क्लिक करना है, अगर ये जो फाइल दिख रही है ना आपको, इसको आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, जो ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है अगर उसकी ओरिजिनल फाइल, इसको आप एक जगह पे जाके सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा और यहाँ से रिप्लेस कर दूँगा। तो हमारे सारे मोड इसके अंदर तीसरे मोड डल चुके हैं, अब हम लोग गेम ऑन करते हैं, गेम ऑन करने के बाद देखते हैं हमारे मोड चलना है कि नहीं चलना। ओके सर, हम लोग आ गए गेम के अंदर, हम लोग चेक करते हैं कि हमारे मोड वर्क कर रहे हैं, जैसे ऑलमोस्ट वर्क कर रहे हैं हमारे, जैसे मैनुअल मोड सिंपल ट्रेनर है वो हमारा वर्क कर रहा है अगर आपका, और इसके अलावा अगर कोई मोड वर्क नहीं करता हो आपका गेम नहीं होती और कुछ ना कोई एरर होता है, सो ऑल मोड हमारे सक्सेसफुल लोड हो रहे हैं। अब हम लोग को मैनुअल मोड लाने के लिए हमको दो दफ़ा एप एक दबाइए, हमारे मैनुअल मोड आ जाएगा। मैं थोड़ा ना ग्लिच कर रहा है, जैसे जैसे नहीं इशू होगा ये देख सकते हैं, मेरा मोड आ चुका है, तो हमारा बहुत वर्क कर रहा है इसके अंदर, देखते हैं सब कुछ ऑप्शन उसके अलावा ये ऑप्शन बेसिक मॉडल चेंजर एनिमेशन, एनिमेशन का कोई सी भी एनिमेशन दे सकते हो, स्टॉप कर देता वो करेक्टर एनिमेशन एड सीन कोई सी भी एनिमेशन दे सकता है, देखा सिंपल एनिमेशन ये हमारा स्टॉप हो चुका है। इसके अंदर देख सकते सिंपल ट्रेलर से आपने आप आसानी से विकल्प होगा टाइम वगैरह ये भी कर सकते हैं, देख सकते हैं टाइम उसका आगे बढ़ाते चला नहीं आते इस टाइम कर सकते हैं, बैक वन ओवर्स कर सकते हैं, बैक उठा दो सुबह। ओके आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक मार कर चैनल को तो सब्सक्राइब कर देंगे, इसी तरीके से कोई वीडियो चैनल में कमेंट मत करना, लाजमी करना उसको फ्री करा दूँगा, कोई आपको कोई इशू आता है तो तब भी कमेंट करा दें, आपको इसका लाजमी से फॉर्म कमेंट कर रिप्लाई दूँगा, अगर आपका जो मसला है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।